हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म शेरशाह ओटीटी पर धूम मचा रही है। जी हां, इस फिल्म के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस की भी तारीफ हो रही है। ऐसा सिद्धार्थ के करियर में बहुत कम मौकों पर देखने को मिला है और उनकी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर समेत कुल चुनिंदा फिल्मों में ही रही जिन्हें सिद्धार्थ की परफॉर्मेंस की वजह से जाना गया। ना कि वो अच्छे परफॉर्मर के तौर पर देखे जा रहे थे, ना ही उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल कर पा रही थी। अब ऐसे में देखिए, सिद्धार्थ ने फूक फूक कर कदम उठाने शुरू किए। कपूर एंड सन्स और हंसी तो फंसी जैसी हिट फिल्में देने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शेरशाह के चक्कर में कई बड़ी बड़ी फिल्मों की कुर्बानी भी दी थी। जी हाँ, आपको बता दें कि शेरशाह को बनाने में मेकर्स को पूरे 4 साल का वक्त लगा। फिल्म की प्लानिंग काफी सालों से चल रही थी। अब ऐसे में शेरशाह में काम करने के लिए सिड को कई फिल्मों से हाथ भी धोना पड़ा। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है सलमान की फिल्म रेस 3 का। पहले मेकर्स ने इस फिल्म में एक रोल सिद्धार्थ को ऑफर किया था, मगर सिद्धार्थ ने समय की कमी का हवाला देते हुए इस फिल्म को करने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद यह फिल्म बॉबी देओल को मिली। वहीं सिद्धार्थ को एक विला रिटर्न्स से भी हाथ धोना पड़ा। अब मोहित सूरी की एक विलन रिटर्न्स में जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पाटनी और तारा सुतारिया काम कर रहे हैं। सिड को तमिल फिल्म थर्डम की हिंदी में रिमेक के लिए भी अप्रोच किया गया था, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धार्थ फिल्म के हिंदी वर्जन के स्क्रीन प्ले से खुश नहीं थे और उनके पास टाइम की भी कमी थी और इसलिए उन्होंने खुद को इस फिल्म से अलग कर लिया। और अब थ्रेडम के हिंदी रिमेक में आदित्य रॉय कपूर लीड रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म में उनका डबल रोल होगा। और इन फिल्मों के अलावा देखिए, सिद्धार्थ की साउथ की फिल्म किरिक पार्टी के हिंदी रिमेक में भी लीड रोल के लिए बातचीत हुई थी, मगर सिद्धार्थ ने वो फिल्म भी छोड़ दी और इसके बाद मेकर्स ने उस फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन को साइन कर लिया। मगर पिछले दिनों कार्तिक भी उस फिल्म से अलग हो गए, तब से उस फिल्म को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है। तो कुछ खबरों के मुताबिक सिद्धार्थ मल्होत्रा को भावेश जोशी सुपर हीरो के लिए भी साइन करने की कोशिश कर रहे थे, मगर फाइनली वो फिल्म अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर के साथ बनी। सिद्धार्थ लंबे समय से प्रमोशनल फ्रंट पर जूझते नजर आ रहे थे और इसलिए उन्होंने सोच समझकर फिल्मों का चुनाव शुरू किया और इसी कड़ी में उनकी पहली फिल्म थी विक्रम बत्रा बायोपिक शेरशाह, जिसे कमाल का रिस्पॉन्स फिलहाल मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में सिद्धार्थ स्पाई थ्रिलर मिशन मजनू और अजय देवगन के साथ हैंग गॉड नाम के कॉमेडी फिल्म में आपको नजर आने वाले हैं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।